श्वासों को ही जपे जाओ, निरंतरता से जपे जाओ। सोहं सोहम या सोह, भेद आप कई भी बता सकते हैं, उच्चारण विधि अलग हो सकती है, मगर ध्यान सीधा श्वास पर होना चाहिए स्पष्ट रूप से। देखिए कबीरदास जी ने इस चीज पर ही ज्यादा महत्वपूर्ण जोर दिया है कि जो परमात्मा का रमणीय स्थान होता है श्वासों के भीतर होता है मनुष्य के, इसके द्वारा ही वे नाम जप लेता, नाम स्मरण करता है और इन श्वासों के द्वारा ही वे उस प्रभु के नाम को पिरो लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के नाम को निरंतर कब जपा जा सकता है, जब आपके भीतर कोई एक मंत्र निरंतर रूप से सुचारू रूप से चल रहा हो, वो है आपकी श्वासों का मंत्र। देखिए श्वास एक ऐसा मंत्र है, या फिर इसे नाम कह लो, या फिर इसको आवाज कह लो, या फिर ये स्वचालित है, इसको चलाने के लिए कोई भी नहीं है। इसके चलाने के लिए जो प्राण शक्ति है जो प्रभु ने अंदर दे रखी है, जो प्राण जाप भी कहा जाता है उसको, उसके द्वारा ही ये निरंतर चला जा रहा है, मगर लिमिटेड मात्रा में। ये अपना समझे, ये हमें 100-200 साल तक मिलती है, इतना भी नहीं। कोई दिव्य पुरुष ही होते हैं जो इतनी इतनी लंबी वर्ष आयु अर्जित कर पाते, कुछ तप के बल पर, कुछ अपने त्याग के बल पर कर पाते, बाकी ये हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए सोहंग मंत्र की विधि यानी सोहंग ध्यान विधि क्या होती है, हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। परमात्मा को पाने की सबसे सरल सहज विधि है, इसमें किसी प्रकार का आपको मुद्रा अगर लगाना चाहे तो ध्यान मुद्रा लगा ले, बाकी मेरा मानना यह है यानी आप सहज रूप से बैठते हैं, बस आपको कमर सीधी रखनी है और आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। इस अवस्था में आप आलस्य को त्यागना पड़ेगा, अपनी बुद्धि पर थोड़ा काबू करके इस मन को मारना पड़ेगा, ये आपको चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें जरूरत क्या चीज की पड़ती है, मैं आपको पहले यह बता देता हूँ। सर्वप्रथम जरूरत पड़ती है एक यथाउचित स्थान की। स्थान इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि आपका कमरा भी हो गया, वो कमरा चाहिए आपको जहाँ पर आप हर रोज ध्यान करते हैं। अब देखिए इसका एक चीज और मैं उपयोग कर बता देता हूँ, उस स्थान का जहाँ पर आप ध्यान करते हैं, ये आप जरूर ध्यान दें कि उस स्थान पर किसी प्रकार की गंदगी ना करें, या किसी प्रकार का आप टेलीविजन मनोरंजन का साधन भी ना रखें उस स्थान पर, किसी भी प्रकार का ऐसा मनोरंजन का साधन वगैरह कुछ भी ना रखें। आपका ध्यान और आप बस वो ही होना चाहिए, ताकि आपको ध्यान लगाने में सहजता हो जाए, बहुत सरलता हो जाए वहाँ पर। अगर आप उस स्थान पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करेंगे तो वहाँ का ओरा भी घट जाएगा, जो आप दिनों दिन आप तरक्की करते रहेंगे ध्यान विधि के माध्यम से, तो क्या उस कमरे में एक सकारात्मक वातावरण फैल जाएगा उस स्थान पर, भले ही वो कमरा नहीं हो किसी और स्थान पर भी, वहाँ का माहौल और इन्वायरमेंटल होगा जो पर्यावरण बहुत ही अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्थान चुने ऐसा कि जो एकांत हो, शांत हो, जिस पर आपका ध्यान लगाना सहज हो। दूसरी बात कि ध्यान करना केवल आसन के ऊपर ही करना चाहिए, ध्यान आसन के ऊपर लगाकर ही करें, बिल्कुल एकदम सपाट समतल भूमि पर ना करें कि हम ये बिल्कुल साफ सुथरी भूमि यहाँ पर बैठ के कर लेते। इसका एक तरह से आप मान के चलिए कि इसका एक परिणाम भी होता है, यानी अर्थ होता है कि आसन लगा के ही करना चाहिए। इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आसन लगाने का अर्थ ये होता है कि आप जब भी मंत्र उच्चारण करते हैं, प्रभु का ध्यान इत्यादि मनन करते हैं, तो आपके अंदर आपके भीतर स्वयं के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, वे धीरे 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 आपके पूरे शरीर में रमता जाता है चारों तरफ। जैसे कि राम नाम भी लेते हैं, किसी का भी नाम लेते हैं आप प्रभु का, प्रभु से जुड़ी हुई चीज़ का किसी का भी नाम लेते ध्यान में, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर चलती रहती। अगर आप आसन नहीं लगाएंगे तो मान के चलिए कि वे सकारात्मक ऊर्जा आपके द्वारा होती हुई वे भीतर भूमि में चली जाएगी। आसन का होना इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर जो भी ऊर्जा बन रही है सकारात्मक प्रभु से जुड़ने की, वे आपके भीतर ही रहे, ये ध्यान रखें, वरना आपकी पॉजिटिविटी आप वो अवशोषित कर लेगी भूमि। दूसरा आसन लगाने का इतना है, और आसन को स्वच्छ रखें,
आप निरंतर आपके आसन को स्वच्छ रखते रहे। अब ये हम बात करते हैं सोहम ध्यान विधि को किस प्रकार से करना चाहिए। इस बात को अवश्य ध्यान रखें, इसमें किसी प्रकार का नियम कानून तो है नहीं, मगर आपको स्वयं को बनाने पड़ेंगे स्वयं के ऊपर, यानी आपके स्वयं के ऊपर ही बनाने पड़ेंगे। और ये आपको स्वयं को निर्धारित करना पड़ेगा कि मेरे शरीर को क्या चीज़ लागू होती है, क्या चीज़ लागू नहीं होती है, और कौन सी वस्तु मेरे शरीर पर विपरीत कार्य करती है, यानी नेगेटिव कार्य कर जाती है। जैसे कि कई भक्तगण भी ऐसे होते हैं जो मांस मदिरे का सेवन ज़्यादा करते हैं और वे भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं, क्योंकि काफ़ी भक्तगण ऐसे भी है जो माँ काली पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि माँ काली मांस मदिरे का सेवन जरूर करते हैं वे, इसलिए वे ऐसे भक्त भी है। ध्यान विधि में याद ध्यान रखें, सर्वप्रथम जो सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य साधक होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य साधक कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। वे एकदम सात्विक होते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि भी निर्मल होती है, यानी उग्र भाव नहीं होता उनका। देखिए, जो माँ काली के जो मदिरा भक्षण करते हैं यानी सेवन करते हैं, तो उनका स्वभाव भी उग्र होता है, उनको पल पल भर में गुस्सा तनिक आ जाता है। सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्यों में इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता, वे अपने विवेक के द्वारा उस गुस्से को काबू में कर लेते हैं किसी ना किसी प्रकार से। इसलिए आप ध्यान रखें आपके शरीर के ऊपर कौन सी चीज़ किस प्रकार से कार्य करती है, वह आपको स्वयं को निर्धारित करना पड़ेगा, और कौन सी चीज़ का आपको कितना उचित मात्रा में उपयोग में लेना है, ये भी आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बातें मैं आपको इस विधि यानी ध्यान, आप कोई भी काम करते हो, नाम भी लेते हो प्रभु का, कोई भी नाम लेते हो, वैसे तो मैं पर्टिकुलर सोहम धाम के बारे में बताऊंगा, मगर आप कोई भी ध्यान विधि का अपनाते हो, मगर ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देने योग्य बात है। ये एक तरह से नोटिफिकेशन है कि इसके द्वारा आपके ध्यान लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल सरल हो जाएगी, यानी इसमें आपको फिर आगे चलकर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके धीरे धीरे चलते हुए आपके विकार भी कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आप ध्यान विधि में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके भीतर विकार कम हो जाएंगे, जब विकार कम हो जाएंगे तो ध्यान बिल्कुल सहज रूप से लग जाएगा। अब देखिए, आप ध्यान जब भी करते हैं तो ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहे तो बैठ पाए तो सबसे उचित होता है कि आप ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, या फिर आप अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर और कमर सीधी रखें, बिल्कुल भी एकदम सनी हुई नहीं, एकदम तनी हुई एकदम, ताकि आपकी गर्दन ज़्यादा दर्द होने लग जाएगी। नॉर्मल रूप से सीधी कमर रखें, गर्दन को थोड़ा सा सीधा रखें और थोड़ा सा 45 डिग्री का कोण जैसे बनता है हल्की सी उठाले से, बिल्कुल हल्की सी उठा लीजिए, ताकि आपके आज्ञा चक्र पर सहज रूप से आपका ध्यान चल जाए, ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े उस जगह। फिर आप नॉर्मल थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें ले, शुरुआत में थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें ले, 7-8-9-10 बार ऐसी लंबी गहरी सांसें ले, भीतर लंबी सांस खींची और बाहर लंबी सांस छोड़ी, ऐसा 10 या 15 बार करें। फिर धीरे धीरे देखने को मिलेगा आपको कि धीरे धीरे आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ रही है, बिल्कुल सरल यानी बिल्कुल धीरे धीरे एकदम रिलैक्स मोड पर आ रही है आपकी, यानी बिल्कुल एकदम आप आनंद की मुद्रा में आ जाएंगे, यानी आपके भीतर भी जो रक्त का संचार है भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो आप गतिविधि करते शुरुआती में तो बिल्कुल नॉर्मल हो, फिर आप धीरे धीरे ये कार्य करें कि आपको निरंतर इस श्वासों पर ही ध्यान लगाना पड़ेगा, निरंतर श्वासों पर ही आपका ध्यान होना चाहिए, यानी आप ऐसे करते हुए लगभग आपको 5-10 मिनट होने के पश्चात, वैसे तो शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके भीतर कोई मंत्र चल रहा है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने श्वासों पर सरल रूप से ध्यान देना है और उस आवाज को सुनना है, केवल आवाज को सुनना है, सिर्फ आवाज को, और हो सके तो आप इसको बोल भी लीजिए, मगर आप जैसे कि भीतर अंदर श्वास जाती मनी मन सो, और बाहर श्वास आती तो ह ह या हंग, ये आपको बोल लेना है, या फिर आप उसको सुने, सिर्फ आप धीरे धीरे देखिए ये आपको स्पष्ट रूप से कब क्लियर सुनाई देगा मंत्र, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आपको स्पष्ट रूप से तभी सुनाई देगा ये मंत्र, जब आप एकदम पूर्ण रूप से बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, आपका ध्यान बिल्कुल बिल्कुल नहीं भटकेगा,
और आपके भीतर बिल्कुल शांति आ जाएगी, बिल्कुल शांति आ जाएगी। तब आप देखेंगे जैसे ही आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो एक तो आपके हृदय की धड़कन सुनाई देगी और एक आपको अपने श्वासों की आवाज़ बिल्कुल सरल रूप से सुनाई देगी। देखिए ये आपको प्रक्रिया बार बार निरंतर दोहरानी पड़ेगी, निरंतर दोहरानी पड़ेगी। सो हम ये धीरे 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 आपके अंदर रमणीय होता रहेगा। आपको भीतर परमात्मा का ध्यान करना आपके लिए बिल्कुल सहज हो जाएगा आगे चलकर। देखिए अगर आप प्रभु के साकार रूप को बसते हैं तो भी उनका भी ध्यान कर सकते हैं, निराकार रूप को बसते हैं उनका भी ध्यान करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि रूप ध्यान करना बहुत सरल होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क उन चीज़ों पर जल्दी विश्वास करता है जिसका सचित्र वर्णन हुआ, जो किसकी यानी डेफिनेशन एकदम क्लियर हो रखी हो। हाँ ये दिखने में ऐसा होता है, यानी परमात्मा का आकार है ना मस्तिष्क और आपका जो आपकी मेंटलिटी बैठी हुई कि इस आकार की चीज़ होती है तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अब निराकार में आप क्या कर सकते हो, निराकार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का जो प्रकाश, दिव्य प्रकाश की आप कल्पना करते हैं तो उसी चीज़ पे ध्यान रहता है। देखिए ध्यान विधि में जब भी आप सहज रूप से धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे तो आपको लगने लग जाएगा कि नहीं मैं बिल्कुल सही, थोड़ा आपको ऐसा भी लगेगा कुछ ना कुछ आपके भीतर कुछ अजीब सा महसूस होगा क्योंकि आपकी शरीर से विकार निकलेंगे। विकार कौन थे, 5 विकार होते हैं जो भीतर से निकलते रहते हैं धीरे धीरे। मैं इनके बारे में और आगे चर्चा करूँगा कभी और, लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि आपको बारंबार अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना पड़ेगा, बारंबार श्वासों पर ध्यान लगाए। और इनको एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए। कबीरदास जी ने इतना भी कहा है कि श्वास एक सांस भी खाली नहीं जाए क्योंकि इन श्वासों का कभी भी पता नहीं है कि कभी भी चली जा सकती है। कि श्वास सुमरण करो, व्यर्था श्वासा ना खो, है ना, श्वास का सुमरण करो, व्यर्था श्वासन ना खो। कि पल भर का ये खेल है, इनका आवन हो या ना हो, यानी इनका पता नहीं है प्रभु ने कितनी निश्चित मात्रा में लिखी और कब चली जाए, इसलिए इसका ध्यान देना। देखिए इसके बारे में वो मैंने काफ़ी वीडियो भी बना रखे हैं और आप उन्हें देखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आपको जैसा भी वीडियो लगा हो जरूर हमें बताएं। और आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है, किसी प्रकार की कुछ ग्लानी उत्पन्न होती है तो हमसे निसंदेह रूप से आप कमेंट करें, कुछ सवाल पूछ लें ताकि हम आपको उसका वीडियो के द्वारा या फिर कमेंट में ही बता सके। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।